हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज एक सीरीज का सवाल बनाते हैं जो कि गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सवाल के हैंडल करने से पहले आप लोगों को यह देखना आना चाहिए कि क्या दे रखा है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन ये हमें गिवन है, तो इसी को लेकर हम कुछ जुगाड़ वगैरह बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो साइन एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ये थोड़ा चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कितना, बेसिकली वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स डाल, बस वही काम है। और देखो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, cos to the power 12x, तो cos to the power 12x को ऐसा लिख लो cos square x की पावर 6। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास cos square x गिवन है जो कि sin x के बराबर है, इसीलिए मैं ऐसा किया। प्लस और क्या लिखा हुआ है, 3 cos to the power 10x, तो इसको हम ऐसा लिख ले cos square x की पावर 5 चलेगा। प्लस 3 cos to the power 8x, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं cos square x की पावर 4, कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर आगे ये cos to the power 6x लिखा हुआ है, तो cos to the power 6x को लिख लो cos square x की पावर 3, कुछ ऐसा वगैरह कर दो माइनस और ये 2, तो cos square x की वैल्यू रिप्लेस कर ले, करने लग जा, कितना होगा sin x to the power 6 प्लस और ये 3 sin x to the power 5, क्योंकि cos square x का वैल्यू sin x ही तो है, 3 sin to the power 5x plus 3 sin to the power 4x plus sin cube x minus 2, ये लिखते हैं। और थोड़ा हम इसको एक आप लोगों के आइडेंटिटीज में दिख जाएगा कैसे, अगर थोड़ा इधर उधर कर लोगे तब आप लोगों के आइडेंटिटी दिख जाएगा। जो कौन सा आइडेंटिटी है, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लू, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लू प्लस 3 और ये साइन टू द पावर 5x को ना मैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 कर रहा हूं इनटू साइन एक्स। देखो अभी समझ में आता है कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। प्लस 3 और इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स, ये जो sin to the power 4x है sin square x into sin x का whole square plus और ये sin x का whole cube रहने देता हूं minus 2। देखो अगर मन की आंखों से देखोगे ना, ये एक आइडेंटिटी आ गया आप लोगों के सामने। और sin square x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूं, तो ये a का cube plus 3 into sin square x, तो मेरा a ही माना, a का square simply a square होता है, इनटू साइन एक्स को मैं बी मान लेता हूं प्लस बी, आगे 3 साइन स्क्वायर एक्स को तो ए ही माना था, इनटू साइन एक्स को बी, तो बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, कुछ ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जैसा आइडेंटिटी है। तो हम यहां से क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन ए नहीं, ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी नहीं, बी की जगह साइन एक्स का होल क्यूब और माइनस टू पहले से है। जो देखो हमारे सामने गिवन था ना साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो वन का क्यूब वन, वन माइनस टू माइनस वन, मतलब इस पूरे आइटम का आंसर माइनस वन, और देखो हमारा ऑप्शन क्या है माइनस वन। और देखो जब भी ऐसे सवाल देंगे जो गिवेन होगा वहीं से खोलताड़ करने की कोशिश करो, हमेशा जो गिवेन होगा वहीं से तुम इधर उधर कर लो, और जो चाहिए थोड़ा ट्राई करो। जैसे जब भी ऐसे थोड़ा बड़े पावर देंगे ना, मतलब तुम लोगों को ऐसा करना कि आइडेंटिटी अप्लाई करना, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ हमें आइडेंटिटी कर लो, और वैसे भी निकल जाएगा। कॉस को भी अगर इधर उधर कर लोगे ना तो भी आइडेंटिटी बन जाएगा, आप लोग को देखना आना चाहिए कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आंसर माइनस वन, थैंक यू।